यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। हाय अरियल पर, हाय अरियल उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ, तो भी मैं तो अरियल को सकीती में डालूंगा, वहां रोना पीटना होगा, और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा, और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिरकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी, और तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा, और तू धूल से गुनगुना गुनगुना कर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूलि की नाई और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी, और यह बात अचानक पल भर में होगी। सेनाओं का यहोवा बादल गर जाता और भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता और बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा, और जातियों की सारी भीड़ भाड़ जो अरियल से युद्ध करेगी, जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेत में डालेंगे, वह सब रात के देखे हुए सपने के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा जो स्वप्न में तो देखता है कि मैं खा रहा हूं, परंतु जागकर क्या देखता है कि उसका पेट शून्य है, वह कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि मैं पी रहा हूं, परंतु जागकर क्या देखता है कि उसका गला सूख जाता है और प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़भाड़ की दशा होगी जो सियोन पर्वत से युद्ध करेगी। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है परंतु दाख मधु पीने से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है, इसलिए सारी दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान ठहर, जिसे कोई पढ़े लिखे हुए मनुष्य को यह कह कर दे कि इसे पढ़, और वह कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कह कर दी जाएगी कि इसे पढ़, और वह कहेगा कि मैं तो अनपढ़ा हूं। प्रभु ने कहा है, ये लोगों जो मुंह की बातों से मेरा आदर करते हुए समीप तो आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और ये जो मेरा भय मानते हैं, वह मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है और हमको कौन जानता है। हाय तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या कार्य अपने कर्ता के विषय कहेगा कि उसने मुझे नहीं बनाया, वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं सकता। क्या अब बहुत ही थोड़े दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी, और उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वह देखने लगेंगे, और नम्र लोग यहोवा के कारण अति आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इसराइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्टा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ काम करने के लिए जागते रहते हैं और जो मनुष्यों को वचन से पाप में फंसाते हैं और उनके लिए जो सभा में उलहाने देते हैं और फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यो कहता है कि याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा
और न उसका मुंह फिर नीचा होगा। और जब उसकी संतान के लोग मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र ही ठहराएंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटक गया वह बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वह शिक्षा पाएंगे।